जय श्री राम, जय मां मुंडु मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं कोलकाता में रहता हूँ, मेरा निवास स्थान कोलकाता में है, मंदिर भी कोलकाता में ही है। आज का विषय है सर्व रक्षा करक श्री हनुमान जी का शक्तिशाली सावर मंत्र, नवग्रह दोष नाशक, शत्रु भय नाशक, शत्रु को पराजित करने वाला शक्तिशाली हनुमान जी का सिद्ध सावर मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग मैं खुद कई बार कर चुका हूँ, मेरे जजमान को कई बार करवा चुका हूँ, प्रत्यक्ष इस मंत्र का फल मैं देख चुका हूँ। आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। इस मंत्र का अनुष्ठान साधारण है, मंदिर में हो, घर में हो, कहीं भी कुछ किसी भी जगह पर बैठकर आप लोग इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। कैसे करना है इस मंत्र का अनुष्ठान, आगे अपने वीडियो में संपूर्ण प्रोसेस रहेगा, मंत्र रहेगा वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर। अच्छी तरह से कान और आंख दोनों चीज को खोल कर देख लीजिए, समझ लीजिए। मंत्र रहेगा वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर, एरो है, सब्सक्राइब करके एरो को दबाइए, पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, मंत्र वहीं पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद कुछ विवरण भी वहां पे लिखा हुआ रहेगा, अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो पॉइंट को अपडेट कर देता हूं विवरण बॉक्स पर। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही मजेदार छोटा सा एक पॉइंट आप लोगों को सुनाना चाहिए, ज्यादा समय आप लोगों का लूंगा नहीं। तो ये एक मूर्ख का बात बोल रहा हूं, आप सुनिए, कॉमेंट में आप देखिएगा, उस मूर्ख को कॉमेंट में दिखेगा। मूर्ख बोल रहा है जे मैं क्यों बोला हूं शिवलिंग के ऊपर कर्पूर चढ़ाने के लिए। ठीक है, मेरे पिताजी 65 साल से शिवलिंग के ऊपर, वानेश्वर शिवलिंग के ऊपर कर्पूर चढ़ा रहा है। 25 साल से शिवलिंग के ऊपर कर्पूर चढ़ा रहा हूं, आज तक ना मेरे पिताजी के द्वारा शिवलिंग टूटा ना मेरे द्वारा शिवलिंग टूटा। और सबसे अजीबोगरीब जो बात है वो है कर्पूर से पहाड़ भी टूट जाता है, तो डायनामाइट की जरूरत नहीं होता। कर्पूर डालो, होल करो, कर्पूर डालो, कुछ देर तक रख दो, पहाड़ टूट जाएगा। तो ऐसे भयंकर मूर्ख भी अभी पृथ्वी में है और आखिर कमेंट भी करता है, थोड़ा शर्म ले लगता है। कर्पूर का इस्तेमाल सनातन धर्म में सबसे ज्यादा होता है देवी देवता का पूजा में। कर्पूर हर देवी देवता का पूजा में बहुत ज्यादा प्रिय। आप लोग अगर काली का पुराण देखेंगे तो उसमें माता को कर्पूर का पानी से नहाने के लिए बोला है, माता को कर्पूर का पानी से स्नान करने के लिए बोला है। माता को जब हम लोग स्नान कराते तो कर्पूर के जल से माता को स्नान करते, अभिषेक आदि कर्म करते। भोलेनाथ को तो मैं 365 दिन कर्पूर चलाता हूँ, कर्पूर का जल से मैं तर्पण करता हूँ। कर्पूर मातेश्वरी को बहुत प्रिय है। कर्पूर हर भोजन में कर्पूर का एक एक दाना दिया जाता है, कर्पूर देने से जल शुद्ध हो जाता है बोलता है। कर्पूर देने से आप लोग किसी को गुमराह करते हैं, ऐसे कुछ कमेंट में है, किसी को गुमराह कर रहे, कर्पूर देने से पत्थर शिवलिंग टूट जाएगा, पहाड़ भी फट जाता है। तो ये सब पृथ्वी में कहां कहां से लोग आते, इन लोगों के लिए मैं बोला हूं तारापीठ जाता हूं, फेस टू फेस आओ, बहुत सारे चीज तुम लोग से मैं सीखूंगा, तुम लोग से मैं जानूंगा और तुम लोग भी बहुत सारे चीज मैं बताऊंगा, फेस टू फेस आओ। जितने साले खुजली वाले पब्लिक है, ये सब एजेंसी वाले पब्लिक है, मुझे पता है जितने भी खुजली वाले पब्लिक है तारापीठ में इनवाइट करता हूं, आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं हो। चलिए छोड़िए, विषय से भड़क रहा हूं, इसलिए मैं आप लोग निसंदेह होकर हर भगवान के मंदिर में जब जाइए कर्पूर साथ में लेके, कर्पूर देने से भगवान आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा। कर्पूर थोड़ा सा भगवान के चरणों में रखिए, कोई भी देवी देवता हो कर्पूर सब देवी देवता को प्रिय है, पसंद आता है। जो डेला वाला कर्पूर, भीमसेनी कर्पूर बोला जाता है, कर्पूर से तो बड़े बड़े आयुर्वेदिक दवाई बनता है, बढ़िया बढ़िया तेल बनता है, मलम बनता है कर्पूर से। हर आयुर्वेदिक दवाई में कर्पूर का इस्तेमाल होता है, क्या बोलूं अभी लोगों को। ठीक है छोड़ी, तो ये जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान आप लोगों को करना है मंगल या शनिवार के दिन से शुरू करना है। पहले इस मंत्र का अनुष्ठान का मैं जो फल देखा हूं मैं आप लोगों को बोलता हूं। मेरा एक भक्त था, अभी भी है, मेरा एक भक्त है, एक विशेष वो कारोबार से युक्त था, तो उसका कारोबार, उसका क्या पृथ्वी के सब लोगों का एक कारोबार एक समय में बहुत ज्यादा डूब गया। तो डूब जाने के बाद तो जो पावनादार बांग्ला में बोलते, जो उसको, जो उससे पैसा मैंने, जो उसके पास इन्वेस्ट किए थे, उसके लिए कंपनी के पास जो इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट करने के बाद जो उसके जब कंपनी जब डूब गया तो उससे जब पैसा मांग रहा था, तो वो पैसा कहाँ से देगा, वो तो एजेंट था, उसके पास तो पैसा नहीं था। एजेंट वो तो जैसे LIC है, LIC मेरे से कोई लिया
एलआईसी वाले को जमा कर दिया, सरकार को जमा कर दिया, तो उसको एक कमीशन मिला, 200 500 2000 5000 का कमीशन मिला। ऐसे कोई भी जगह में एजेंट होता है तो लोगों को कमीशन मिलता, तो वो बेचारे को कमीशन मिला। तो जब कंपनी डूब गया, एक विशेष कंपनी जब डूब गया, तो उसको बेचारे को सब लोग आकर घेर लिया, बहुत लोगों का परेशान कर रहा था। ऐसे परिस्थिति में वो जब रोते रोते मेरे पास आया, जो ऐसा परिस्थिति है मुझे आप बचाइए ऐसा परिस्थिति में, तब ये मंत्र के बारे में, ये मंत्र मुझे अपने गुरुदेव ने उपदेश दिया था, तब ये मंत्र के बारे में मुझे ध्यान आया, चलो इस मंत्र का उपयोग करके एक बार देखते हैं इस मंत्र का कैसा रहता है। तो मैं अपने मंदिर में, हनुमान जी हैं, चंचल हनुमान मेरे हनुमान जी का नाम है, तो मैं हनुमान जी के मंदिर में उसको बिठाया, उसको एक विशेष दिन से इस मंत्र का अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान करवाने के बाद उसको बोला, जब भी कुछ लोग तुमको घेरेगा, लोग तुमको परेशान करेगा, लोग तुमको मारने के लिए आएगा, पीटने के लिए दौड़ेगा, तुमको गाली गलौज करेगा, तुम चुपचाप किसी को मारना नहीं, गाली नहीं देना, चुपचाप एक जगह में खड़ा होकर इस मंत्र का 3 बार मन ही मन में पाठ करना, या जोर से पाठ करोगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो मन ही मन में 3 बार पाठ करना, देखना आजू बाजू कोई मार्केट में नहीं रहेगा, सिर्फ तुम ही खड़ा रहोगे। इस मंत्र का चमत्कारी फल उसको मिला और अप्लाई भी किया और चमत्कारी फल भी मिला। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा समस्या है, अगर आप लोग धर्म के पक्ष में है, किसी का पैसा नहीं खाए है, किसी का पैसा चोरी नहीं किए, आप अगर ऐसे परिस्थिति में है, तो आप लोग ये मंत्र का अनुष्ठान जरूर कर सकते हैं, तब आप लोगों के लिए मंत्र काम है। ये बेचारा किसी का पैसा खाया नहीं था, ये तो खुद ही फंस गया, इसका भी पैसा डूबा, उस कंपनी जब डूबा इसका भी पैसा डूबा, तो ये बेचारा किसी का पैसा खाया नहीं, तो कहां से दूसरे लोगों का पैसा ला के देगा, कंपनी तो हाथ उठा के भाग गया, तो ये बेचारा फंस गया। इस बेचारे की जैसे बहुत ही लोग फंस गया, बहुत लोग माने नुकसान भी बहुत लोगों का हुआ। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दिया, अभी ये मंत्र का इस परिस्थिति में आप लोग जाप कर सकते हैं। शत्रु भय, अगर लगता है कोई पर्टिकुलर शत्रु आप लोगों को टारगेट कर रहा है, तो शत्रु भय से आप और आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान ग्रह दोष के लिए, कई लोग मुझे बोलते हैं गुरु जी ग्रह दोष, देखिए ग्रह दोष का सावरक तो विधान में कुछ रेमेडी है, तांत्रिक विधान में ग्रह दोष का कोई रेमेडी नहीं है। ग्रह दोष के लिए ग्रह पूजा अनिवार्य, ग्रह के पूजा किए ग्रह दोष से मुक्त होना असंभव है। कोई भी टोटका ग्रह के लिए काम नहीं करता है, ग्रह गोचर में घूमता रहता है, इसलिए टोटका प्रयोग काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। मैं टोटका तो हजारों बोल सकता हूँ, छोटा मोटा टोटका तो हजारों है, लेकिन वो टोटका असरदायी नहीं होगा, ये मेरा खुद का देखा हुआ है, जो मैं देखा हुआ इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए ग्रह के लिए टोटका प्रयोग काम नहीं करता है। ग्रह के लिए धातु भी अभी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इसका भी कारण है। ग्रह के लिए जो सीकर बोलते हैं बंगला में, जो जर पहनते हैं, हर एक ग्रह के लिए अलग अलग जर है, वो भी सही से काम नहीं करता, उसमें भी डुप्लीसिटी है, उसमें भी 2 नंबर ही है, ठीक है। ग्रह के लिए धातु और जर अभी वर्तमान में बहुत नीचे चला गया है। ग्रह के लिए सीधा रेमेडी जो है वो है रत्न, बढ़िया क्वालिटी का रत्न, और बढ़िया अच्छी तरह से पूजा अर्चना जाप पूर्वक ग्रह का पूजन करने के बाद ग्रह शांति कवच आप लोग जरूर पहने, ये सबसे बढ़िया ग्रह का रेमेडी है। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हनुमान जी के शरण में जाकर ये ग्रह दोष नाशक इस मंत्र का आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ अप्लाई कीजिए, कब होगा ये मत सोचिए। गीता में भगवान बोले हैं, कर्म करते जाओ, फल देने का दायित्व तो मेरा है, तुम अपना कर्म तो करो, कब तुम फल मिलेगा, अरे फल नहीं मिला गुरु जी, फल मिला, हाहाकार मत करो। तुमको अनुष्ठान करना है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम किसी पंडित के पास जाकर लाखों रुपये 1000 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास मेरे स्मरण के अलावा, मेरे पास हाथ जोड़ कर विनती करने के अलावा अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो पहले उस ऑप्शन को देखो, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ के भगवान के पास विनती करो, वही तुम्हारे पास अंतिम ऑप्शन है, यही भगवान का गीता का मैसेज है। कर्म करो, शरणागत हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रभु आप ही एकमात्र मेरे पास है, आपके अलावा दूसरा मेरा कोई नहीं है, अभी आप मेरा रक्षा कीजिए। इसीलिए हनुमान जी का ये रक्षा मंत्र हर प्रकार से आप लोगों को हेल्प करेगा, हर प्रकार से आप लोगों को सहायता करेगा। इस मंत्र का मात्र 108 बार आप लोगों को शनि या मंगलवार के दिन को आप लोगों को उठाना है। शक्तिशाली सावर सिद्ध मंत्र है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है मेरे मित्रों, मेरे व्यूअर्स, जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आप लोग जरूर एक बार अपने मित्र को, भाई को, बहन को, या कोई भी ऐसे संसार में कोई प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, सच्चे मन से अगर वो व्यक्ति सचमुच परेशान है, वो व्यक्ति सचमुच पीड़ित है, तो इस मंत्र का अप्लाई करने के लिए जरूर बोलिए, आप लोगों को 101% फल मिलेगा, इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, कहीं खुद का देखा हुआ ये मंत्र पढ़ोगे मेरा। इस मंत्र का अनुष्ठान 108 बार कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में अनुष्ठान करेंगे तो हनुमान जी के मंदिर में लड्डू, हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल, सिंदूर, लाल जवा का पुष्प, ठीक है,
और हनुमान जी के लिए लाल वस्त्र, कम से कम 5 मीटर का लाल वस्त्र हनुमान जी के लिए आप जरूर निवेदन कीजिए और बेड में हाथ में लेकर जाइए और दीजिए। वहीं पे बैठकर अनुष्ठान कर सकते, कोई समस्या नहीं। घी का एक दिया जलेगा और आपके सामने सुगंधित अगरबत्ती जलेगा। अगर घर में करना चाहते कोई इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मंदिर में पहले ये भेंट सामग्री पूजा सामग्री देकर अपने नाम से पूजा अर्चना कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, प्रभु मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु भगवान श्री राम का नाम लीजिए कम से कम 108 बार। भगवान राम का कोई स्तव, कोई कवच, ठीक है, कुछ भी गुणगान आप लोगों को आता है तो भगवान श्री राम का गुणगान करते करने के बाद अभी हनुमान जी का ये मंत्र अनुष्ठान आप लोग कीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा अमुक शत्रु है, अमुक शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, उस शत्रु को आप नेस्तनाबूद कीजिए, उस शत्रु को उतना ही परेशान कीजिए जितना मुझे वो परेशान किया है। प्रभु मेरा अमुक ग्रह का दोष है, प्रभु मेरा कोई काम नहीं बनता है, प्रभु मैं जो भी काम के लिए जाता हूँ वो मेरा काम नहीं बनता है, प्रभु मेरा ये काम कीजिए, मैं आपका मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ। ऐसी तरह इस तरह से मानसिक करके, इस तरह से मनोकामना बोलते हुए इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए 108 बार एक दिन कीजिए। बाकी दिन अगर आप लोगों के पास समय नहीं है कम से कम 28 बार जाप कीजिए, नहीं तो 108 बार भी पार्ट डे जाप कर सकते। बहुत ही साधारण सा मंत्र है, 2-4 बार उच्चारण करेंगे आप लोगों को इजिली मंत्र का आप लोगों को याद आ जाएगा, इजी मंत्र का आप याद आ जाएगा। सावर मंत्र का ही चमत्कार है, अगर आप लोगों को सावर मंत्र को 2-4 दिन 5 दिन अगर पाठ करते तो मंत्र इतना इजी है आप लोगों को खुद ब खुद है, छोटे बच्चे को भी याद। मेरे बच्ची को कितना बड़े बड़े सावर मंत्र याद हो गया, मैं पाठ करता हूँ वो सुनते सुनते उसको कितना बड़ा बड़ा सावर मंत्र याद आ गया। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग जरूर आप लोगों को मनोकामना, घबराइए मत। कोई भी अनुष्ठान करने से बड़े इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं होगा, 10 दिन का अनुष्ठान नहीं होगा, घबराइए मत। आत्मविश्वास के साथ अगर कुछ सफलता अर्जन करना है, कुछ करना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, जरूर ईश्वर आप लोगों का मनोकामना पूर्ण करेगा। हनुमान जी के फोटो के सामने ही मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। हनुमान जी घर में अगर स्थापित है तो हनुमान जी को अनुष्ठान करने के समय जैसा भोग सामग्री बोला, भोग सामग्री रखिए, वस्त्र को मंदिर में चढ़ा के आइए, भोग मिठाई हनुमान जी के सामने दीजिए और बाद में वो भोग मिठाई को बच्चे लोग में वितरण कर दीजिए, लेकिन वस्त्र को हनुमान जी के मंदिर में दक्षिणा सहित, जब ये भोग सामग्री हनुमान मंदिर में निवेदन करेंगे उसके साथ दक्षिणा जरूर रखें। और अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद एक ब्राह्मण को, एक साधु को, संत को भोजन जरूर करवाए। कोई भी अनुष्ठान संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को, साधु संत को भोजन अनिवार्य है, ये सनातन धर्म का रीति है, ये युग युग से चला आ रहा है, इसको परिवर्तन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आज का कंटेंट अगर इतना दूर तक आप लोग देखे हैं तो एक लाइक कीजिए, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मंत्र वीडियो के नीचे रहेगा। आज का कंटेंट में इतना ही, मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, हरिओम तत्सत।